अनेकों फिल्मों को इतना प्यार दिया सबने एंड आई थिंक जो जैसा अवार्ड सीजन रहा है अभी तक जितने भी हुए हैं वहाँ पर बहुत मस्त लगा जो जितने भी बहुत ही स्पेशल है एंड आज एक और नेक्स्ट ब्रांड अवार्ड मिला तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड दैट्स वर्किंग हार्ड अवार्ड्स तो मिलते हैं साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ते जा रही है फैंस की और साथ साथ इन सब चीज़ों को किस तरह देखती है जी वो तो मतलब है कि जब आप एक्टर बनना चाहते हैं आप ड्रीम करते हैं कि आपकी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े जहाँ पे आपके फैंस बढ़े उनका प्यार बढ़े और उनको आप हमेशा खुश और सेटिस्फाइड रख पाए बहुत ही आउटस्टैंडिंग कास्ट है हमारी हम धीरे धीरे बाकी कास्ट मेंबर्स भी बताएंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्ट है हमारी लेकिन ये जो मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ उसके इर्द गिर्द है कहानी सो देयर इज अ प्रेशर सो फर्स्ट टाइम की कोई ऐसी किसी फिल्म की पॉलिटिक्स नहीं है जहाँ पे देयर इज अ बॉय ऑपोजिट मी एंड बहुत ही डिफरेंट जॉनरा है मैंने कभी हॉरर पर से एज सच किया नहीं है हॉरर थ्रिलर इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक जितना भी अभी तक दुर्गावती शूट किया है प्रॉबेबली इट्स टेकन माई परफॉर्मेंस अ नॉच अप मतलब जेन्युइनली मुझे लगता है कि अगर एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी भूमि अगर बात की जाए अवार्ड्स हर एक्टर के लिए काफी खास होते हैं उनके फैंस के लिए खास होते हैं कि हमारे पसंदीदा एक्टर को मिले इसके साथ ही देखा गया इस फिल्म फेयर में भी काफी क्रिटिसिज्म एक्टर्स की तरफ से अवार्ड को दिया गया उसे आप किस तरह देखती हैं सर मैं तो मतलब आई फील कि हर बॉडी का अपना डिसीजन होता है तो आई डोंट थिंक आई एम इन अ प्लेस टू रियली कमेंट ऑन कि क्या डिसीजन राइट है या क्या डिसीजन रॉन्ग है बट आई एम कंसर्न्ड जो हमारा था वो एक क्रिटिक्स कैटेगरी में था तो वो एक जूरी डिसाइड करती है and I'm just very thankful I don't think I'm in a position to comment on that Thank you. Yes ma'am, yes, look my camera hold yeah, yes look here ma'am yes thank you